हाय फ्रेंड्स, आप सबको शालू का नमस्कार। कल मैंने बताया था कि मेरी सासू माँ हमसे विदा हो गई, हमसे दूर हो गई, और फिर उसकी अंतिम क्रिया करने के लिए हम सब गोकाक चले गए थे। वहाँ पे उसकी अंतिम क्रिया और उसका पूरा मतलब सब रिलेटिव्स और वो सब आ गए थे। उसकी अंतिम क्रिया करने के बाद फिर हम लोग दिल्ली चले गए, क्योंकि हम अर्जेंट में ऐसे ही आ गए थे। सबकी तबीयत भी खराब चल रही थी और ये दोनों भाई की हालत भी बहुत ही खराब थी और मैं भी प्रेग्नेंट थी, तो ऐसे हालत में हमें दोबारा फिर वहाँ जाना पड़ गया। तो उसके बाद दिल्ली जाने के बाद फिर कुछ दिन हम लोग रहे उधर, 1-2 महीने। उसके बाद फिर 8वें महीने में मुझे मेरे को फिर खानापुर भेजना पड़ गया, क्योंकि डिलीवरी के लिए फिर माँ के पास ही जाना पड़ा। वहाँ पर कोई ऐसा था नहीं करने के लिए, और फिर छोटा बच्चा भी था मेरा 1.5 साल का, तो उसको लेके स्वरूप मैं फिर से हम लोग वहाँ चले गए, खानापुर चले गए। खानापुर मेरे को किसी के साथ भेज दिया था क्योंकि हालत इनकी खराब थी, तो मैं चली गई थी। फिर बेलगाम के लिए डायरेक्ट ट्रेन थी और बेलगाम में फिर मेरे बाबा आए थे मुझे लेने के लिए, और फिर मैं खानापुर चली गई। खानापुर में फिर बेटा मेरा छोटा था, उसकी बहुत खातिरदारी की, और हालात मेरे भी बहुत खराब थे क्योंकि सासू माँ की वजह से इधर उधर भाग दौड़ होने की वजह से बहुत थकान हो गई थी। बाबा ने मेरे को पूरा पैरों में मसाज किया था, मेरे को अभी भी याद है। तेल लगा के पूरा अच्छे से गर्म, मम्मी ने खूब गर्म पानी किया, नहलाया, मतलब इतनी खातिरदारी की, और फिर बहुत ही मैं रिलैक्स हो गई। कहते हैं मम्मी के घर, आई के घर या मायके जाने के बाद शरीर एकदम भारी हो जाता है। चाहे हम अपने घर में कितने भी भाग दौड़ करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही मायके चले जाते हैं, भाई कुछ नहीं करना, बस रिलैक्स चाहे कितनी भी एक्टिव रहे। तो वहां जाके मैं पूरी रिलैक्स हो गई, और फिर और टाइम धीरे धीरे बीतने लग गया। फिर मई में स्वरूप मेरा 2 साल का हो गया, तो 2 साल उसको, मई 29th को 2 साल हो गए। तो मई 29th को फिर उसका ग्रैंड बर्थडे मनाया। उसके पापा ने दिल्ली में ही बहुत सुंदर सा एक धोती कुर्ता और एक रेड कलर का जैकेट था वो दिलाया था, साउथ एक से खरीदा था, और बहुत ही सुंदर ड्रेस था उस ड्रेस में, और एक कैप भी थी उसमें, रेड कलर की कैप थी, रेड कलर का जैकेट। वो इतना सुंदर ड्रेस था जिसमें गोल्डन डॉट्स थे, और वो ड्रेस मैंने उसको पहनाया। मई 29th को उसका बहुत अच्छे से आई ने बहुत सारे स्वीट बनाए, उसकी पसंद की क्या क्या चीजें हैं वो सब बन गई उस दिन। उसके बाद उसका बर्थडे हमने सबने मिलके ग्रैंड बर्थडे मनाया। और उसके बाद टाइम थोड़ा सा और एक हफ्ता 10 दिन में फिर मुझे पेन शुरू हो गई, और मुझे एक सुंदर सी और प्यारी सी, खानापुर में ही मेरी डिलीवरी हो गई। रात में सुबह, मुझे अभी भी वो दिन याद है, सुबह 4 बजे मेरी नींद खुल गई थी, और फिर खूब गर्म पानी करके नहलाया, और फिर मुझे खानापुर में अस्पताल में ले गए, और वहाँ पे मेरी डिलीवरी हो गई। सुबह सुबह हमारी लड़की एक सुंदर सी, प्यारी सी, गोरी गोरी सी, और एकदम मतलब हेल्दी, बहुत ही हेल्दी थी। मतलब सब लोग हॉस्पिटल में भी इतने खुश हो गए उसको देख के, एकदम गाल ऐसे मोटे मोटे और शरीर भी भारी एकदम, ऐसे कहने लगे सब टुन टुन पैदा हो गई है। मतलब इतनी सुंदर थी, आंखें इतनी सुंदर, और बहुत ही गोरा रंग, बहुत ही गोरा रंग। तो इतनी सुंदर मेरी प्यारी सी बिटिया मुझे हो गई, और मतलब उसको आंखें उससे हटाने का मन ही नहीं करता था, दिल करता था उसको देखती ही रह जाऊं। वाकई में इतनी सुंदर लड़की मुझे हो गई, तो मुझे बहुत खुशी हो गई। उसके बाद मैं जब शादी होके गई थी, और फर्स्ट टाइम जब मैं प्रेग्नेंट थी,
मुरगोड़ साहब ने मेरे पति जी ने मुझे कहा था कि शालू, अगर पहली बार हमें लड़की हो गई तो हम उसका नाम मोनालिसा रखेंगे क्योंकि आर्टिस्ट है ना, उनको पहले से ही दिमाग में था कि हम लड़की हो गई तो मोनालिसा नाम रखेंगे। लेकिन भगवान की दया से पहले लड़का हुआ, बाद में लड़की हुई, तो हमने उसका नाम मोनालिसा रखा। और वो बहुत ही सुंदर सी, प्यारी सी, और जैसे ही मोनालिसा मुझे वो सीन भुलाया नहीं भुला जाता। मैं हॉस्पिटल में लेट गई थी वो मोनालिसा के साथ, और फिर स्वरूप थोड़ा लेट उठ गया था। वो मुझे छोड़ के बिल्कुल नहीं हटता था, मेरा ऐसे पल्लू पकड़ के ही घूमता रहता था। तो उसको माँ के बिना वो एक पल भी नहीं रहता था। नींद में था और मैं उठ के चली गई थी, तो उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले आए, फिर दिखाने लगे कि देखो तुम्हारी मम्मी है, छोटा बच्चा है। तो वो अंदर ही नहीं आ रहा था, उसको लग रहा था कि मेरी मम्मी के साथ मेरी जगह पे कौन सोया है। उसको दरवाजे के पीछे ऐसे छुप गया था और ऐसे ऐसे करके देख रहा था कि मम्मी के साथ कौन है। अब मैं कह रही हूँ आ जाओ बेटा स्वरूप, आ जाओ बेटा, वो आने को तैयार नहीं हो रहा था कि मेरी जगह है, मेरी मम्मी है, और मेरी मम्मी के साथ ये बच्चा कौन है। उसको बड़ा मतलब वो सीन मुझे अभी भी उसकी आंखें, उसका फेस अभी भी याद आता है कि वो दरवाजे के पीछे छुप के देख रहा था तो ऐसे ही है टाइम, जिंदगी ऐसी ही है, और जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरी फैमिली पूरी हो गई थी, मेरे को एक सुंदर बेटा, और भगवान ने 2 साल में मुझे 2 बच्चे हो गए, 75 और 77। तो मेरी फैमिली में एक लड़का एक लड़की, और हम बहुत ही खुशी, मतलब सबको खुशी हो गई। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सासू माँ चली गई और इसको बेटी हो गई, तो वो दोबारा से पैदा होके माँ तुम्हारे घर में फिर से आ गई है। तो ऐसे ही दिन बीत गए, और फिर उसके बाद बेटी हो गई, और मैं फिर आगे कल आपको बताऊंगी कि बेटी के साथ हमने कैसे, बेटे और बेटी के साथ कैसे दिन गुजारे, और कहानी फिर मैं आगे आपको कंटिन्यू करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप सब देखते रहिए, आगे बहुत ही इंस्पिरेशनल मेरी कहानी है जो आपको बहुत आनंद देने वाली है। तो आप जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप सबको धन्यवाद।